हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इनवैलिड इनपुट के बारे में जानेंगे समझेंगे। तो हमें यहाँ कुछ बताया गया है कि इनवैलिड इनपुट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि आपको ये चेक करना है कि यूज़र ने जो इनपुट डाला है वो वैलिड है या नहीं। इसके लिए आपको ये देखना है कि जो यूज़र ने इनपुट डाला है उसमें अगर एक से ज़्यादा लेटर है तो वो इनपुट इनवैलिड है, उसमें ए टू जेड के अलावा कोई भी कैरेक्टर है तो वो इनपुट इनवैलिड है। ये चेक करने के लिए आप इजल्फा फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो इजल्फा फंक्शन में मतलब होता है कि उसमें अल्फाबेट है या नहीं, मतलब ये डॉट यहाँ पे लिखा गया है कि ए डॉट इजल्फा। तो ये इजल्फा एक फंक्शन है जो चेक करता है कि वो अल्फ़ाबेट है या नहीं। तो यहाँ पे इजल्फा फंक्शन कॉल किया तो इजल्फा यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट है इसलिए ट्रू रिटर्न किया, और ये अल्फ़ाबेट नहीं है तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। तो चलो हम इसको पाइथन सेल में चला कर देखते हैं। तो पाइथन सेल में लिखेंगे हम ये डॉट इज अल्फा, ये डॉट इज अल्फा लिखेंगे तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और जैसे कि यहाँ पे हमने वन डाला तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब ये अल्फ़ाबेट नहीं है या नहीं चेक करता है। तो ये इसने हमें इन्हें अल्फ़ाबेट के बारे में समझा, मतलब अल्फ़ाबेट ये करता है कि वो अल्फ़ाबेट इज अल्फा फंक्शन ये करता है कि वो अल्फ़ाबेट है या नहीं हमें बताता है। अल्फ़ाबेट होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अल्फ़ाबेट नहीं होता तो फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे कि ये अपना इज अल्फा में हम यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हैं, ये बी भी डाल सकते हैं, तो ये बताएगा ट्रू क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है। और इसमें हम ये डाला, एक अल्फ़ाबेट डाला और एक इंटीजर डाला तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मतलब इज अल्फा हमारा फंक्शन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। और फिर यहाँ पे हमें हिंट दी गई है कि आपको यूज़र से इनपुट रिसीव करने के बाद चेक करना है कि इनपुट वैलिड है या नहीं। चेक करने के लिए आप यूज़र के इनपुट की लेंथ चेक कर सकते हैं। अगर इनपुट वैलिड है तो सब अच्छा है, पर अगर इनपुट इनवैलिड है तो आप लूप को वापस से कंटिन्यू करो और दोबारा यूज़र से इनपुट लो। तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, पॉसिबल सॉल्यूशन। तो चलो हम अभी इसी का यूज़ करते हैं। तो ये अपना पॉसिबल सॉल्यूशन है, तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन को हम ऊपर डाल देते हैं। तो ये अपना पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया, और यहाँ पे थोड़ा और कोड दिया गया है ये वाला, तो इसको भी हम डाल देते हैं। तो ये अपना कोड कहाँ है, वाइल ट्रू। तो अपना वाइल लूप कहाँ लगा हुआ है, तो अपना वाइल लूप इस कोड में लगा हुआ है ये। तो इसमें हमें एडिट करना है कि इज अल्फा वाला फंक्शन ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि इफ़ नॉट इफ़ वैलिड लेटर, तो हमने इफ़ वैलिड लेटर वाला फंक्शन लिखा था तो वही अभी हमें उसको ही कॉल करना है। तो उसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये भी हमारा कोड लिया है। तो चलो अब इसमें इसको हम चला कर देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारा ये कोड नहीं चला, इसमें एरर आ गया क्योंकि हमने इफ के बाद इसका सिंटैक्स नहीं लगाया है। तो हमें इसका सिंटैक्स लगाना पड़ेगा और फिर से चला कर देखते हैं। तो अपना कोड चल गया है कि वेलकम टू द हैंगमैन, आई एम थिंकिंग ऑफ वर्ड दैट इज 10 लेटर लॉन्ग, अवेलेबल लेटर्स अपने पास इतने हैं, इन अवेलेबल लेटर्स में से हमें कोई भी एक लेटर गेस करना है। जैसे कि हमने ए गेस किया तो इसने बोला गुड गेस, मतलब गुड गेस ए हमारा उस सीक्रेट नंबर में से ए हमारा किसी जगह पे है। जैसे कि हमने वन डाला तो वन अपना इनवैलिड इनपुट है, तो इसने हमें बताया नहीं कि आपका इनवैलिड इनपुट है, इसने डायरेक्ट अपना इसने बताया नहीं कि वहाँ से कंटिन्यू हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने आसानी के लिए प्रिंट इनवैलिड। इनवैलिड इनपुट लिख सकते हैं। तो हमें भी ये बताएगा कि आपका इनवैलिड इनपुट है। जैसे कि हमने वन डाला तो ये बताएगा कि आपका इनवैलिड इनपुट है।
जैसे कि एट द रेट डाला तो ये बताया कि कहीं आपका इनवैलिड इनपुट है, जैसे कि डाला वन तो फिर से बताया इनवैलिड इनपुट है, तो हमारा इनपुट करेक्ट है या नहीं, मतलब जैसे कि हम नंबर लेटर डालेंगे तो वो सही है क्या नहीं, इसलिए हमें इनवैलिड इनपुट का यूज़ करना पड़ा। जैसे कि ये डाला तो ये हमारा उस सीक्रेट नंबर में कोई किसी जगह पे है। तो चलो हम इसे गेम को खेल कर देखते हैं, तो हमने ए डाला तो ये उस जगह पे है, जैसे कि ई डाला, ई डाल कर देखते हैं तो ई उस जगह पे नहीं है, तो अपनी लाइव्स कम हो गई, तो 8 लाइव्स थी तो 8 लाइव्स थी वो अभी 7 हो गई, फिर से डाल कर देखते हैं तो अभी फिर से कम हो गई, क्योंकि डब्लू उस हमारा सीक्रेट नंबर सीक्रेट वर्ड में से नहीं है। तो ऐसे ही हमारा गेम काम करेगा। तो इनवैलिड इनपुट हम इसलिए यू करें कि है कि हमने जो इनपुट डाला है वो सही है या नहीं, मतलब अल्फ़ाबेट है या नहीं। थैंक्स।